वीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है, मैं वीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनक्रेड एएमसी के फंड मैनेजर आदित्य खेमका, जो हमारे साथ बात करेंगे कि क्या ये समय हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करने के लिए उचित समय है या नहीं है। इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ केयर स्पेस? आदित्य, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आदित्य, सीधा सवाल, हेल्थ केयर आउट ऑफ फेवर है, काफी स्मार्ट मनी जिसे कह सकते हैं वो मुझे कह रहे हैं कि भैया अभी ये समय सही है, क्या आप भी वही कह रहे हैं? हाँ जी, सो हमें लगता है कि कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का सबसे सही समय तब होता है जब वो आउट ऑफ फेवर होता है, क्योंकि तब उसकी अर्निंग्स भी उसकी जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उससे कम होती हैं, उसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी उसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस से कम होते हैं। सो एज ए निवेशक, अगर आप उसमें निवेश करते हो तो जब ये अर्निंग्स नॉर्मलाइज होंगी, उनके फायदे नॉर्मलाइज होंगे, तो उनके मल्टीपल्स भी रीरेट होंगे, तो आपको एज एन इन्वेस्टर अर्निंग ग्रोथ भी मिलती है और आपको एज एन इन्वेस्टर मल्टीपल रेटिंग भी मिलती है। इनके संबंध को हम बोलते हैं डबल बोनांजा, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर अगर आप खाली अर्निंग ग्रोथ चाहिए मिले आपको, तो आपका रिटर्न तो बनेगा लेकिन आउटसाइज रिटर्न नहीं बनेगा। आउटसाइज रिटर्न तभी बनता है जब आपको अर्निंग ग्रोथ और मल्टीपल रेटिंग दोनों मिलती है। तो यहाँ पे की क्वेश्चन ये है नीरज की, क्या इस सेक्टर में अर्निंग ग्रोथ वापस आएगी और आएगी तो कैसे आएगी? तो इसमें मैं आपको अपने फंड का एग्जांपल लेके बताता हूँ। हमारे फंड में फ्रॉम FY21 टू FY23 टॉप लाइन ग्रोथ जो रही है, जो कंपनीज हम फंड में होल्ड करते हैं, वो लगभग 11% रही है, लेकिन उनका बॉटम लाइन ग्रोथ केवल 3% रहा है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो केवल 3% रहा है ना। उसके कई मुख्य कारण है, बट सबसे बड़ा कारण इसका वो रॉ मटेरियल प्राइसिंग में जो इन्फ्लेशन हुआ है चाइना से, क्योंकि हम अपना ज्यादातर रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करते हैं और चाइना ने दाम बढ़ा दिए रॉ मटेरियल्स के फॉर वेरियस रीजंस। चाइना वॉज उसमें लॉकडाउन था, कोविड था, चाइना में पावर कॉस्ट बढ़ गया था, हजारों कारण थे चाइना ने क्यों दाम बढ़ाए, तो वो दाम बढ़ गए थे, तो उस कारण से हमारा ग्रॉस मार्जिन गिरा और हमारे खुद के यहाँ भी कंटेनर कॉस्ट बढ़ गया था, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया था, जिस कारण से हमें एबिटा ग्रॉस मार्जिन के नीचे भी इम्पैक्ट आया ऑफ दी कॉस्ट लेवल पे। तो हमारा प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 2-3% रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ 11% रहा है, लेकिन अब हमें फार्मा कंपनीज, हेल्थ केयर कंपनीज खुद बता रही है कि स्पॉट मार्केट में जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो गए हैं। एंड इससे क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर जब हम देखेंगे FY24 जब हम देखेंगे, तो उस साल में हमारा मेजॉरिटी रॉ मटेरियल प्राइस कम लेवल पे आएगा, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस और सर्विसेज के प्राइसेस जो हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं उसे हम कम नहीं करने वाले, तो मार्जिन ऊपर चला जाएगा, तो हमारा मार्जिन ऊपर चला जाएगा। ये मार्जिन या तो प्री कोविड लेवल भी आ सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है, बिकॉज अगर आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस प्री कोविड लेवल पे आ गए तो आपके प्राइसेस ऑलरेडी प्री कोविड लेवल से काफी ज्यादा है, तो आपके मार्जिन एक्चुअली सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो सकते हैं फ्रॉम द प्री कोविड लेवल। बट हम ऐसा बिल्ड नहीं कर रहे, हमारा एक्सपेक्टेशन में हम ये बिल्ड कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर एट अ फंड पोर्टफोलियो लेवल टॉप लाइन ग्रोथ 11-12% होगी और जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 30-35% के रेंज में होगी। इवन इफ दिस प्लेस आउट, अगर ये 30-35% का प्रॉफिट ग्रोथ आ गया, तो ओवर द 3 years FY21-24 आपका टॉप लाइन ग्रोथ भी 11-12% है और आपका बॉटम लाइन ग्रोथ भी 11-12% है, विच मीन्स मार्जिन पे हमने कोई इंप्रूवमेंट बिल्ड नहीं किया है, सिर्फ रिस्टोरेशन बिल्ड किया है, दैट मीन कि हम उस मार्जिन पे वापस चले जाएंगे जो हम पहले करते थे। जी आदित्य, ये आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, तो इसके लिए इसमें मिनिमम टिकट साइज कुछ होगा, एक आम निवेशक जिससे म्यूचुअल फंड में करता है वैसे निवेश कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सेबी का रूल ये है नीरज की फॉर एट अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लेवल पे किसी भी निवेशक को मिनिमम 50 लाख इन्वेस्ट करना होता है, दैट इज वो मिनिमम टिकट है। लेकिन हमारे पास एक स्कीम है, तो जैसे मैं इंक्रेड का हेल्थ केयर फंड चलाता हूँ, वैसे ही आदित्य सूद हमारे यहाँ फंड मैनेजर है, वो इंक्रेड का मल्टी कैप प्रोडक्ट चलाते हैं, तो वो भी PMS प्लेटफॉर्म पे है। तो अगर कोई निवेशक है उनके पास 50 लाख है और वो पूरा 50 लाख हेल्थ केयर में नहीं डालना चाहते, तो वो हमें 50 लाख दे सकते हैं और वो उसको स्प्लिट कर सकते हैं कि मल्टी कैप में 30 लाख डाल दो, 40 लाख डाल दो, हेल्थ केयर में 10 लाख डाल दो, 20 लाख डाल दो, तो वो सुविधा हम इन्वेस्टर्स को उपलब्ध कराते हैं। ओके फाइन, ठीक है। अभी आदित्य समझना चाहेंगे कि आपके फंड में आपने बोला 30% ग्रोथ हो सकता है, 30%, ये हेल्थ केयर काफी ब्रॉड सेक्टर है, तो कौन सी थीम को लेके आपको लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक थीम 30% ग्रोथ शायद ना करे, कुछ 40 करे, कुछ 20 करे, तो कहां पे आपकी सबसे ज्यादा बुलिशनेस है प्रॉफिट ग्रोथ को लेके, कौन सी थीम को लेके? तो हमें लगता है जो कंपनीज इंडिया में फोकस करती हैं, ब्रांडेड जेनरिक कंपनीज जो है, वहां पे प्रोबेबली प्रॉफिट ग्रोथ सबसे ज्यादा आएगी आने वाले साल में, क्योंकि उन्होंने प्राइस इंक्रीजेस दिए हैं लास्ट ईयर
और वो FY24 में भी प्राइस इंक्रीजेस देंगे, और उनपे चाइना से इंपोर्ट करने के कारण उनपे काफी प्रेशर आया है कॉस्ट का। और अगर वो कॉस्ट प्रेशर चला जाता है जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं इंडस्ट्री से कि वैसा हो रहा है, तो उनके प्रॉफिट ग्रोथ में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। इसीलिए ब्रांडेड जेनेरिक में सबसे ज्यादा बुलिश है। उसके बाद डायग्नोस्टिक्स में बहुत बुलिश है। डायग्नोस्टिक्स में हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ 15-20% के आसपास ही होगी, प्रोबेबली 30-35% नहीं होगी, लेकिन डायग्नोस्टिक्स में मल्टीपल्स इतने पिट चुके हैं, स्टॉक स्पेसिफिक इतने मल्टीपल्स गिर गए हैं कि अगर ये डायग्नोस्टिक कंपनीज 15-20-25% ग्रोथ दिखा देती है ईयर ओवर ईयर अपने प्रॉफिट्स में, तो फिर इनके मल्टीपल्स भी सिग्निफिकेंटली रिरेट हो जाएंगे। आज के डेट में ये डायग्नोस्टिक कंपनीज उन मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही है जो प्रोबेबली इनकी हिस्ट्री में सबसे सस्ता मल्टीपल रहा है। जब से ये लिस्ट हुए हैं 2016-17 में आई थिंक डॉक्टर लाल लिस्ट हुआ था, पहली डायग्नोस्टिक कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद से जितनी भी लिस्टिंग हुई है उनके मल्टीपल्स कभी भी इतने सस्ते नहीं थे जितने आज हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में भी निवेश करने का, क्योंकि वहां पे हमें विजिबिलिटी है कि अर्निंग ग्रोथ अच्छी चल रही है। थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट भी आप देखें तो उन्होंने डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ रिपोर्ट किया है, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, तो हम काफी क्लियर है कि वो सेक्टर भी अच्छा रिटर्न देगा आने वाले टाइम में। जी, जस्ट सो दैट निवेशक को कंफ्यूजन ना हो आदित्य, जब हम इंडिया स्पेसिफिक कंपनीज की बात कर रहे हैं तो हम सन फार्मा, सिप्ला, लूपिन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये यूएस में भी प्रेजेंट है। हम और सेट ऑफ कंपनीज, मैं ये नहीं पूछता हूँ आपके पोर्टफोलियो में क्या है, बट हम दूसरे सेट ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम कंपनीज को डिवाइड करते हैं दो हाफ्स में फार्मा कंपनीज को। एक वो होती है कंपनीज जो यूएस में ज्यादातर प्रोडक्ट बेचती हैं और अपना ज्यादातर रेवेन्यू यूएस में बेच के कमाती हैं। इन कंपनी को हम अनब्रांडेड जेनेरिक्स बोलते हैं, क्योंकि यूएस जैसे बाजार में अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको ब्रांडिंग अलाउड नहीं है, लेकिन इंडिया के बाजार में अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट भी बेचते हो तो आप उसको ब्रांड कर सकते हो। तो वो कंपनीज जो इंडिया में ज्यादातर बेचती है और जिनका ज्यादा रेवेन्यू और कैश फ्लो इंडिया में बेच के आता है, उनको हम ब्रांडेड जेनेरिक बोलते हैं। तो हम जिन कंपनियों की बात कर रहे थे ये वो ब्रांडेड जेनेरिक कंपनीज है, जिनमें सन फार्मा और बिंदो या इस टाइप की कंपनीज नहीं आती, क्योंकि ये कंपनीज अभी भी ज्यादा पैसा अपना यूएस के मार्केट से कमाती है। जी, ओके ओके। आखिरी एक दो सवाल आदित्य, एक काफी निवेशकों ने ये एपीआई सेक्टर को लेके बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, उन्हें काफी लॉसेस भी हुए हैं अगर वो इन्वेस्टेड रहे थे, और काफी जन शायद इन्वेस्टेड रहे भी होंगे। क्या आपको इसमें नियर टर्म में कोई रिकवरी दिखाई देती है या ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है? सो एपीआई कंपनीज में दो तरह की कंपनीज होती हैं या दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, एक तो जो आप जेनेरिक कंपनीज के लिए बनाते हैं प्रोडक्ट्स, और एक आप जो मर्क, फाइजर, एमएनसी टाइप की कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स वाला बिजनेस है वो एक्चुअली अक्रॉस कंपनीज काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन जो जेनेरिक प्रोडक्ट वाला बिजनेस है उसमें काफी प्रेशर है, क्योंकि आपका एंड कस्टमर पैसा नहीं बना रहा तो वो आपको भी ज्यादा मार्जिन नहीं बनाने दे रहा, एंड उसके उस बिजनेस में प्रेशर है। इसके अलावा कंपनीज जैसे डीवीज और डॉलर्स हो गए, उनके अपने स्पेसिफिक इश्यूज थे कि उन्होंने कुछ कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की थी लास्ट के 12 महीने में, और वो रेवेन्यू स्ट्रीम अब वापस नहीं आ रही क्योंकि कोविड नहीं रहा अभी दुनिया में उतना, तो उस कारण से भी उनके रेवेन्यू और मार्जिन वीक दिखते हैं। बट ये सब ऑप्टिक्स है एट द एंड ऑफ द डे। मेरा बोलने का मतलब ये कि ये ऐसा लग रहा है कि इनके बिजनेस में प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने ही सफलता के शिकार बन गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम उनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला जिससे उन्होंने बहुत पैसा बनाया, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट रिपीट नहीं हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम ये एक सिचुएशन थी जो आ गई और गई, लेकिन अब आपको ये फोकस करना है कि आप ज्यादातर उन कंपनियों पे ध्यान दें जिनका ज्यादा पैसा इनोवेटर के बिजनेस से आता है, इनोवेटर को सप्लाई करके आता है, बिकॉज ये बिजनेस स्टिकी भी है, प्रॉफिटेबल भी है, हाई रेवेन्यू हाई वैल्यू है और लो वॉल्यूम है। तो इस बिजनेस में जनरली बिकॉज इनोवेटर आपको अपनी रेसिपी दे देता है, आपको बताता है कि आप मेरे लिए कैसे मैन्युफैक्चर करो, वो डिमांड इनोवेटर की बहुत स्टिकी होती है, 10-15 साल का डिमांड होता है, तो वो बिजनेस हमें लगता है आगे जाते भी बहुत अच्छा करेगा, हिस्टोरिकली भी अच्छा किया है। हाँ, ये कुछ वॉलेटिलिटीज आती है बिजनेस में, बिकॉज एक साल को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अगले साल नहीं मिला, बट ये जो है एक निवेशक की जर्नी का हिस्सा है, आपको सीखना पड़ेगा कि इन टाइम्स ऑफ दिस वॉलेटिलिटी आप उस शेयर में बने रहें और उनको अच्छे प्राइसेस पे एक्चुअली खरीदते रहें, एक SIP की तरह देखें उस चीज को, रादर देन लुकिंग एट इट एज अ लंप सम। उसको आप ऐसा मत सोचो कि आज ही सारा ले लिया और 5 साल बाद बेचेंगे, आप धीरे धीरे लेते रहो जब भी स्टॉक करेक्ट होता है। कैसे पता चले आदित्य कि ये इनोवेटर कंपनीज को सप्लाई करते हैं, ये कॉन कॉल्स में बताते हैं या एनुअल रिपोर्ट्स में होता है या कोई अलग तरीका है?
कॉन्कॉल्स में भी बताते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में भी होता है, इनफैक्ट इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसके साथ एक प्रेजेंटेशन भी रिलीज करते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसमें भी होता है। तो किसी भी निवेशक को अगर जानना है कि कौन सी कंपनी है जो ज्यादा कस्टमर कस्टम सिंथेसिस करती है, तो कई वर्ड्स यूज करते हैं लोग, CDMO, कस्टम सिंथेसिस, क्रैम्स, तो इन शब्दों का मतलब वो सब एक ही है कि आप इनोवेटर के लिए बिजनेस कर रहे हो। तो आप उन कंपनियों के ऊपर ध्यान दें जो बोलती हैं कि हमारा इनोवेटर के लिए सप्लाई इतना परसेंटेज ऑफ हमारा धंधा है, तो वो कंपनियों का फ्यूचर मेरे हिसाब से ब्राइटर है। और जो कंपनी ज्यादातर जेनेरिक्स को सप्लाई करती है वहां पे फ्यूचर अनसर्टन है, हमें पता नहीं वो फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगी, वो कई सारे दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो कि प्रेडिक्टेबल नहीं है। काफी लोग ये समझेंगे शायद, जैसे आपने कहा कि जब सेक्टर पेन में होता है तब उसको देखना चाहिए, कि API तो अभी काफी समय से पेन में है, तो क्या ये पेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बॉटम आउट होगा और ऊपर जाएगा, उस पे कोई राय है आपकी? हाँ, सो आई थिंक API पेन में है, क्योंकि जो दो बड़ी कंपनीज API में, डिवीज और लॉरस, वो आई थिंक लोगों ने देखा है कि काफी पेन आया है उन स्टॉक्स में, स्टॉक्स काफी जोर से गिरे हैं, बट लोग भूल जाते हैं कि स्टॉक्स काफी जोर से चले भी थे फॉर द रॉन्ग रीजंस, तो गलत कारणों से अगर चले थे तो वो गिरना भी था। डिवीज 1200 से 6000 तक गया था, अब चाहे 3000 है, तो आई थिंक यू नो कहीं ना कहीं वो इरेशनैलिटी जो बिल्ड हो गई थी स्टॉक में वो बाहर निकल गई है बाय एंड लार्ज। लेकिन अगर आप दूसरी कंपनीज देखोगे जैसे कि न्यूलैंड हो गया, हाईकेल हो गया, तो वहां कुछ ऐसा बहुत बड़ा पेन नहीं दिखता है आपको। सो ये आपको अपनी कंपनियां बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करनी होंगी API स्पेस में, ये बहुत ही हेटेरोजीनियस स्पेस है, सबके बिजनेसेस अलग है, सबके सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट अलग है, सबका DNA अलग है, तो अनलेस आप में वो एक्सपर्टीज है कि आप सही कंपनी चूज करो, आई वुड से आप अपना पैसा किसी प्रोफेशनल को दो मैनेज करने के लिए जो आपके लिए कंपनी चूज करे, नहीं तो अगर आप चाहें तो पढ़ के और बहुत टाइम स्पेंड करके आप सीख सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। गॉट इट। ओके, मेरे आखिरी सवाल है हॉस्पिटल्स को लेके आदित्य, बहुत बड़ी हॉस्पिटल चेन है, छोटी हॉस्पिटल चेन है, सभी अपने हिसाब से अच्छा भी कर रही है स्पेसिफिक पॉकेट्स में, आपकी राय क्या है कि इन्वेस्टर्स को क्या फैक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं यहाँ पे जो जो आपके हिसाब से बेहतर कर रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स यहाँ से बाय करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए, मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ कि कौन से बिजनेसेस हैं जो बेहतर कर रहे हैं। सो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में मेरी राय ये है कि ये इंडस्ट्री में अभी बहुत रनवे और ग्रोथ बाकी है। ये इंडस्ट्री पहले काफी कैपिटल इंटेंसिव होती थी बिकॉज हॉस्पिटल्स जमीन और बिल्डिंग दोनों खरीदते थे जिसमें हॉस्पिटल बनती थी, अब वो खरीदते नहीं है, एक्चुअली उसको लीज करते हैं और उससे काफी एसेट लाइट हो गई है इंडस्ट्री, तो अब इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो सकता है और सस्ते में हो सकता है बिकॉज ये जमीन और ये नहीं खरीदते, इमारत नहीं खरीदते। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बड़ी हॉस्पिटल कंपनीज है उनमें मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने मेन बिजनेस से, कोई हॉस्पिटल लैब चालू, कोई डायग्नोस्टिक लैब चालू करना चाह रहा है, कोई ऑनलाइन फार्मेसी चालू करना चाह रहा है, कोई स्टैंड अलोन फार्मेसी टाइप के बिजनेस चालू करना चाह रहा है। मेरे हिसाब से ये डाइवर्सिफिकेशन हमेशा अच्छा नहीं होता, ये एक सिग्नल भी है कि शायद उन्हें लगता है कि उनका जो कोर बिजनेस है हॉस्पिटल का बिजनेस, वहां पे दे आर वो थोड़ा मच्योर हो गए हैं, वहां पे उनके लिए ग्रो करना शायद थोड़ा चैलेंज आ रहा है, इसीलिए वो दूसरे वर्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं ग्रोथ दिखाने के लिए कंपनी के अंदर। मैं वैसी कंपनियों में जनरली निवेश नहीं करना चाहता, ये मेरी पर्सनल फिलोसफी है कि मैं वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करता जो अपने कोर बिजनेस से डाइवर्ट करते हैं, मैं उन कंपनियों पर फोकस करना चाहता हूँ जो अपने कोर बिजनेस में ही और इन्वेस्ट करके वहां से पैसा बनाने की क्षमता रखते हैं। तो वेन यू लुक एट, जब आप ये आज की बड़ी कंपनियों को देखते हो तो ये सब डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं विद इन हॉस्पिटल्स, लेकिन अगर आप छोटे हॉस्पिटल्स को देखोगे ना, वो एक्चुअली उल्टा कर रहे हैं, वो अनडाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ एसेट्स क्रिएट किए होंगे जो कि उनके कोर बिजनेस से मेल नहीं खाता, तो आज उन एसेट्स को बेच रहे हैं या हटा रहे हैं। एज एन एग्जाम्पल, एस्टर डीएम के हॉस्पिटल्स इंडिया में भी हैं और एस्टेडियम के हॉस्पिटल्स दुबई में भी हैं, वो अपनी दुबई के बिजनेस को या तो डीमर्ज करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं ताकि वो इंडिया पे फोकस कर सके। दूसरा एग्जांपल, हेल्थ केयर ग्लोबल HCG, वो ऑन्कोलॉजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो, पर उनके कुछ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी, उनकी IVF क्लिनिक भी है, उनकी डायग्नोस्टिक चेन भी है, वो अपनी डायग्नोस्टिक चेन बेच चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि वो ये IVF क्लिनिक या वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी बेच देंगे क्योंकि उनका कोर फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑन्कोलॉजी रहने वाला है फ्यूचर में। तो मुझे ऐसे बिजनेसेस पसंद हैं जो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी समझते हैं और उसी पे काम करते हैं, उसी से ग्रोथ डिराइव करना चाहते हैं, जो डिवर्सिफाई करते हैं वो एक्चुअली आपको ये सिग्नल दे रहे हैं कि उनका जो कोर बिजनेस था वो शायद ग्रोथ के टर्म्स में काफी मेच्योर हो गया, तो उनसे मैं दूर रहना चाहता हूँ। जी आदित्य, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि 2023 का साल आपका बहुत अच्छा रहे। Thank you so much, Sheera. Same to you.